जी, हमारे ये दूसरा पार्ट जिसमें हमने इलोंगेशन टेस्ट करना है, उसके लिए सेम वही मटेरियल हमने लिया हुआ था। जो इस वक्त जो हमारा मटेरियल था 3x8 का, इसमें हमने 5x8 का पास, 3x8 का रिटेन 45 ग्राम था। इस पर हम गुजारेंगे 14 mm by 10 mm। तो अगर आप इसके ऊपर देखें हमारे गेज के ऊपर, ये रेडिंग जी भी इलोंगेशन का गेज है 14, 10 और 10x6.3। जो भी हमारा मटेरियल होगा उसमें से हम पास करके देखेंगे, जो रिटेन होगा उसको अलग वेट करेंगे, जो पास होगा उसको अलग। इसको लॉन्गिट्यूडनली चेक करना है, ईजीली पास होना चाहिए इसको, बाय फोर्स टेढ़ा करके नहीं करना। जैसे ये रुक गया इसको सेपरेट कर लिया, जो ईजीली पास हो जाएगा उसको हम पास कर देंगे, जो ये लॉन्गेशन में होगा वो सीधा जाए। इस तरह वन बाय वन हम चेक करेंगे, जो अटकेगा उसको हम निकालते रहेंगे अलग सेपरेट। इसको टेढ़ा करके किसी भी सूरत में नहीं निकालना है, जो हमारा पास होगा वो पास में आ जाएगा। ये लोकेशन का टेस्ट में इस तरह से, जो लंबे हैं स्टोन्स उनको हमने स्ट्रेट निकालना है, जो पास हो जाएंगे पास, जो रिटेन हो जाएंगे उनको रिटेन, बाद में इनके वेट कर लिए जाएंगे। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप पूरे मटेरियल को चेक किया जाएगा, और फिर इसी के बाद इसका जो दूसरा सैंपल है हम उसको भी इसी तरीके से किया जाएगा। ये 3x8 का पास, 1x4 का रिटेन, इसको हम गुजारेंगे 10 mm और 6.3 mm के साइज़ में से, जो कि ये छोटे वाला साइज़ है। ये हमारा दूसरे साइज़ का मटेरियल था 3x4 का। अब इसको भी सेम इसी तरीके से चेक करेंगे, जो उसमें पास हो रहा है उसको सेपरेट, जो उसमें रुक रहा है उसको हम रिटेन में डालेंगे। ये रिटेन में आ गया, ये मटेरियल इजीली पास हो रहा है, पासिंग में आ जाएगा। इसका लाजमी ये देखना है कि ग्रेडिंग के हिसाब से आपने इसका साइज़ डिसाइड करना है। ये सब स्क्रीन में दिया हुआ, जैसे इसके लिए हम 20 mm और 14 mm वाला साइज़ ले रहे हैं, यानी 20 mm से लेकर 14 mm तक के स्टोन इसमें से गुजारे जाएंगे। जैसे ही हमारे पास दोनों मटेरियल आ जाएंगे, पासिंग और रिटेन, इनको हम अपने फॉर्मेट में एंट्री कर लेंगे। ये हमारा फॉर्मेट है, पहले वाले हमने फ्लैकनेस की एंट्री की थी, यहाँ पे इन लोकेशन की हम एंट्री, पासिंग और रिटेन दोनों लेके उसकी परसेंटेज निकालेंगे।